ओकरा यानी भिंडी। आज कुछ भिंडी के फवायद के बारे में बात करते हैं। ओकरा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर करने में। इसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जिसको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दिमागी सेहत के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि इसके अंदर विटामिन B6 काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है, जो ना सिर्फ हमारे दिमाग को बल्कि हमारे आसाब को भी बहुत ज़्यादा फायदा देता है। सेकंड नंबर पे डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से बात करेंगे, हमारे हाजमे के लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो ना सिर्फ फाइबर हमारे कब्ज़ को बेहतर करता है, उसके साथ साथ हमारे हाजमे को भी बेहतर करता है। जब हमारा कब्ज़ बेहतर होगा, स्टूल प्रॉपर पास आउट होगा, तो हमें भूख भी प्रॉपर लगती है। नंबर थर्ड पे बात करेंगे वेट लॉस के हवाले से। वेट लॉस के हवाले से भी, क्योंकि इसके अंदर लो कैलोरीज हैं, कैलोरीज इसके अंदर बहुत लो हैं और फाइबर इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो ये आपको वेट कम करने में या वेट को मैनेज करने में, मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है। नंबर फोर जिस चीज़ की बात करेंगे भिंडी के हवाले से, वो है बोन हेल्थ के हवाले से। विटामिन के की मिकदार इसमें काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, जो हमारी हड्डियों के लिए, ना सिर्फ हड्डियों के लिए, उसके अलावा और भी बहुत सारे अमराज के लिए विटामिन के हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा नीड होती है इसकी, और विटामिन के इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे स्किन के हवाले से। स्किन के हवाले से इसके अंदर विटामिन सी की काफ़ी मिकदार है, एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, और एंटीऑक्सीडेंट हमारे ब्लड के अंदर जो रेडिकल, जो जहरीले मादे होते हैं, उनको साफ़ करने में, उसको खारिज करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। और साथ में चूंकि फाइबर भी होता है, तो वो स्टूल के ज़रिए से प्रॉपरली पास आउट हो जाता है, तो इसलिए स्किन में भी इसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लो कोलेस्ट्रॉल की। क्योंकि इसके अंदर फाइबर की काफ़ी मिकदार मौजूद होती है, और जैसा कि हमने पहले डाइजेस्टिव के हवाले से बात की कि हाजमे को बेहतर करता है, जब डेली पास आउट हो रहा होता है स्टूल, तो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में कम कम से कम रुकने की उसके, यानी कम रुकता है वो, और स्टोर नहीं होता, प्रॉपर डेली पास आउट होता रहता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि ये इम्यूनिटी को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन मौजूद हैं, जो हमारी कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं, और जो कुव्वत मुदाफ़त को, जो खून के जहरीले मादे ख़राब करते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से उसमें भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाती है। इसके अंदर इन्फ्लामेशन को कम करने का, सूजन को कम करने के इसके अंदर बहुत सारे जो है मिकदार में, ओवरऑल भिंडी जो है वो सूजन को कम करती है, और ख़ास तौर पे घुटने की सूजन को, जिन लोगों के घुटने में, जोड़ों में दर्द होता है, उनके लिए भिंडी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके बाद हम बात करेंगे आँखों की सेहत के लिए, क्योंकि इसमें विटामिन ए काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, विटामिन सी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, और बार बार हम एंटीऑक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, जो खून को साफ रखता है, तो खून प्रॉपरली हमारी पूरे, ना सिर्फ जिस्म को, हमारी आंखों के लिए भी, और हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए, तमाम चीज़ों के लिए बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है। इसके अंदर फॉलिक एसिड की मिकदार काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, और फॉलिक एसिड हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी फीमेल्स के लिए फॉलिक एसिड की बहुत ज़्यादा नीड होती है। वो लोग जिनको बार बार मुंह में छाले हो रहे होते हैं, तो आपने देखा कि फॉलिक एसिड जो है एक्सटर्नली यूज़ किया जा रहा होता है छालों के लिए, तो ना सिर्फ फीमेल को बहुत ज़्यादा फायदा देता है, और वो लोग जिनको बार बार मुंह में छाले निकल रहे होते हैं, तो उनके लिए भी भिंडी जो है वो फॉलिक एसिड ज़्यादा मिकदार होने की वजह से, और वाइटामिन सी भी की भी मिकदार ज़्यादा है, तो वो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये तो हैं कुछ बेनिफिट्स जो ओकरा यानी भिंडी के मौजूद हैं। अगर इसके खाने की बात की जाए, तो अमूमन सब्जी भी इसकी बना के खाई जाती है, और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा लोग जो इस्तेमाल करते हैं, वो इसका पानी पीना है,
यानी भिंडियों को रात को एक गिलास पानी में 3 या 4 भिंडियों को काट कर भिगो दिया जाता है और सुबह नहार मुंह इसका पानी पिया जाता है, जो इन तमाम फवायद के लिए बहुत बेहतरीन होता है। उससे हम तमाम किस्म के ये फायदे हासिल कर सकते हैं, विटामिन्स भी ले सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी है, फाइबर। अच्छा, पानी की सूरत में फाइबर, चूंकि क्रूड फॉर्म में जब हम लेंगे तो फाइबर मिलेगा, तो हम हाजमे के लिए, उसके लिए हम नहीं वो कह सकते, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा इसका बेनिफिट होगा। और उस पानी को पीने के साथ साथ जो लोग वो भिंडियाँ भी खा लेते हैं, तो यकीनन फाइबर की भी बहुत ज़्यादा मिकदार उनकी बॉडी में पहुँच जाएगी, तो हमारे ये तमाम बेनिफिट्स उनको हासिल हो जाएंगे।